हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मस्त ठंड की सीजन में खाने के लिए गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी और चटाकेदार बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी। जो बाजरे की खिचड़ी है ना, डायबिटीज है या छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग आराम से खा सकते हैं और खाने में बहुत हेल्दी है। तो बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रेडीमेड बाजरे लिया है, तो हम उसको 1 कप में भर लेंगे। 1 कप बाजरे हम यूज करेंगे, बहुत हेल्दी होती है और खास करके डायबिटीज जो होती है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छी वाली ये खिचड़ी है। तो 1 कप मैंने बाजरी ले लिया है। और ये बाजरी को साफ करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल खराब वाली ये बाजरी नहीं है। तो हम उसमें डालेंगे छिलके वाली हरी मूंग की दाल। तो जितनी बाजरी है उसके सामने उतनी हम डालेंगे मूंग की दाल। तो आधा कप का मैंने मेजरमेंट लिया है, 2 भर के मैं डालूंगी। अगर आपको कम दाल डालना है तो आप आधा कप भी दाल यूज कर सकते हो, 1 कप बाजरी और आधा कप दाल भी डाल सकते हो। बट मैं 1 कप बाजरी और 1 कप दाल मैं उसमें डाल रही हूँ, तो अभी मैंने आधा कप ही दाल डाला है। तो फिर से मैं आधा कप दाल डालूंगी। और एक खिचड़ी है ना, मैं एकदम नरम सी बनाऊंगी, तो दाल ज्यादा डालेंगे ना तो खिचड़ी एकदम चिकनी टाइप की और एकदम सूप की तरह बनेगी। अगर आपको उपमा की तरह खिचड़ी रखना है ना, तो आपको दाल है ना आधा कप ही लेना है, 1 कप बाजरी और आधा कप दाल डालना है। तो मैंने 1 कप बाजरी और 1 कप लिया है मूंग की दाल। दोनों को हम अच्छे से धो के उसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाजरे इन दाल को भिगोने के लिए रख दिया था, 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो ये बाजरी इन दाल अच्छे से रेडी हो गई है। तो चलिए खिचड़ी में डालने के लिए यहाँ पे मैंने हरा वाला प्याज, हरा वाला कैप्सिकम, हरी मिर्ची, मटर और हरे वाले लहसुन लिया है। उसके बाद खिचड़ी रेडी है। और ये खिचड़ी में डालने के लिए हम ढेर सारा पालक डाल के उसकी हम प्यूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं कंटेनर में डाल रही हूँ ढेर सारी पालक। उसके बाद 7 से 8 लहसुन की बड़ी कली डालूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हरा वाला लहसुन भी लिया है, बट सूखा वाला भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के उसकी हम प्यूरी बनाएंगे। अभी प्यूरी नहीं बनाएंगे, नहीं तो काली टाइप की हो जाएगी। खिचड़ी आधी बनने के बाद जब भी हमको प्यूरी डालना है ना, तब भी हम उसकी प्यूरी बनाएंगे। तो दूसरी साइड हम खिचड़ी के लिए तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो एकदम हाई तेल गरम हो गया है। तो अभी हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना मस्टर्ड सीड, 1/2 स्पून जितना जीरा, 1/2 टीस्पून जितना हींग डालेंगे। बहुत ज्यादा तेल गरम हो गया है। और मैं डाल रही हूँ सबसे पहले मटर। तो मटर मैंने फ्रोजन लिया है और धोने का टाइम भी मुझे नहीं मिला था, तो फटाफट में पानी के साथ मटर डाल दिया था, तो पूरा तेल कुकर से भर गया है। आप देख सकते हो, क्योंकि तेल भी हाई गरम था और मटर में पानी भी था, तो इसलिए मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची, हरा प्याज एंड कैप्सिकम। उसके बाद डालेंगे हरा वाला लहसुन जो हमने घर के गार्डन में से हार्वेस्ट करके उसको फ्रोजन किया था ना, वो मैं यूज कर रही हूँ। सारी चीजें को हम अच्छे से सोते करेंगे। सोते करने के बाद 1/2 टीस्पून जितना ही हल्दी पाउडर डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और दूसरी साइड खिचड़ी में डालने के लिए हमने पालक की प्यूरी के लिए मिक्सर के कंटेनर में जो पालक में लहसुन डाला था ना, उसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। फटाफट प्यूरी बना के तुरंत हम ये खिचड़ी के अंदर डाल देंगे, तो बहुत हेल्दी और ग्रीन टाइप की हमारी खिचड़ी बनेगी। और रियली आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस तरह से बाजरे की खिचड़ी बन सकती है, बट बहुत टेस्टी बनती है और सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ढेर सारी हमने चीजें उसमें डाली है ना इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मस्त ग्रीन टाइप की प्यूरी बना ली है, तो वो हम डाल देते हैं। उसमें हम पानी डाल के वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद हमने खिचड़ी को भिगोने के लिए रखा था ना, वो भी मैं डाल रही हूँ। तो
बाजरी और दाल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और फिर से मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और खिचड़ी आपको अगर छोटी रखना है ना तो पानी की मात्रा आपको कम लेना है, बट मुझे खिचड़ी है ना ये वाली एकदम नरम सी रखना है तो मैं पानी थोड़ा ज्यादा ही डालूंगी। पानी है ना आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। 1 टेबल स्पून जितना मैंने घी डाल दिया है। घी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके एक खिचड़ी को हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 विसल लगाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये साइड हमारी खिचड़ी हो रही है ना, तब तक हम खिचड़ी के साथ खाने के लिए लिया है मैंने मूली। मूली को भी कट करके रेडी करेंगे, बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ। तो मूली का व्हाइट वाला भाग है ना उसको भी कट करेंगे और मूली के पत्ते है ना उसको भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूली को कट कर लिया है और दूसरी साइड गैस की फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। 4 विसल मैंने लगाया था। तो अभी कुकर को ठंडा करेंगे, उसके बाद हम खिचड़ी को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुकर ठंडा हो गया है, तो चलिए हम खिचड़ी को देख लेते हैं। तो मस्त जबरदस्त सूप की तरह ये खिचड़ी बनी है। अगर आपको गाढ़ी वाली खिचड़ी रखना है ना तो पानी की मात्रा आपको कम लेना है, बट परफेक्ट ये खिचड़ी है। थोड़ी सी पड़ी रहेगी ना तो ये खिचड़ी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगती है। ठंडियों की सीजन में खास करके इस तरह से सूप की तरह खिचड़ी बनाएंगे ना तो सर्दी हो गई है या आपको जुकाम है जो भी है फटाफट गायब हो जाएगी, क्योंकि गरम गरम इस तरह से बाजरे की खिचड़ी खाएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा और गला भी आपका फ्रेश होगा। मैंने थोड़ी देर फिर से गैस पर खिचड़ी पकने के लिए रख दिया था ताकि हमारी खिचड़ी एक रस हो जाए। तो दाल तो हमारी एक रस हो गई है, बट बाजरी है ना वो एकदम दानेदार है। तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार लेमन जूस, बहुत अच्छा लगता है, खट्टा टाइप का टेस्ट आएगा। लेमन जूस डाल के अच्छे से खिचड़ी को मिक्स करेंगे। ऊपर से डालेंगे ढेर सारा धनिया। धनिया डाल के अच्छे से खिचड़ी को मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और गरम मा गरम एक खिचड़ी हम सर्व कर लेंगे। और ये गरम मा गरम खिचड़ी के ऊपर ढेर सारा घी डाल के आप खा सकते हो और खाने में रियली बहुत हेल्दी है। और ये खिचड़ी के साथ मैंने मूली को भी कट कर लिया है और ये साइड लाल वाली मिर्ची है ना उसको भी मैं कट करके ये खिचड़ी के साथ सर्व करूंगी। तो विंटर स्पेशल हमारी जबरदस्त बढ़िया वाली, बच्चों से लेके बड़े को सबको पसंद आने वाली गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी और चटाकेदार हमारी खिचड़ी बन गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।